ठीक है प्यारे बच्चों, पेज नंबर 84 पर हैं हम। जिनके पास बुक है वो खोल लें। और आपके पास एक है, सिर्फ एक है। गुड, वेरी गुड। आप फिर पीछे ही देख लीजिएगा, सही है? आप भी पीछे कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा हम सेक्शन शुरू कर रहे हैं, हिस्सा दुआ मिन हदी अल हदीस। ठीक है, हदीस। ये हमारा टॉपिक है। इसमें आपकी किताब में, कोर्स में 20 अहादीस शामिल हैं। ठीक है, और हमें 20 की 20 अहादीस समझनी भी हैं, तर्जुमा भी समझना है, और फिर उसकी तशरीह भी हमें करनी है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हदीस के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि हदीस क्या होती है। तो तमाम वो बातें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली हैं, ठीक है, या जो काम आपने किए हैं, ठीक है, या जो अहकामात आपने लोगों को दिए हैं, उनको हदीस कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें कही हैं, जितने काम किए हैं, ठीक है, या उनके सामने आदमी कोई काम कर रहा था, आपने उसको मना भी नहीं किया, देख के जो है ना उसको शाबाश दी, तो हम समझ गए कि भाई ये भी काम जो है वो करने वाला है, तो उसको हम कहते हैं हदीस। हदीस के बारे में एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, वो मसला ये है कि हदीस के बारे में ये तसव्वुर कि जो कुछ हदीस में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, ये तसव्वुर ठीक नहीं है। ठीक है, समझिएगा इस बात को अच्छे तरीके से। एक तो है क़ुरान, याद रखिएगा हमारा जो दीन है वो दो तरह से या दो ज़राए से हम तक पहुंचा है। एक तो है क़ुरान, क़ुरान जो अल्फाज हैं वो खुदा के अल्फाज हैं, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, उसकी हिफाज़त अल्लाह ताला ने की है। वो जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था, हुर्फ बहुर्फ हम तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया हम तक? लिखी हुई शक्ल में नहीं, बल्कि हिफ्स की शक्ल में पहुंचा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में लोगों ने उसको क्या, हिफ्स करना शुरू कर दिया था। तो एक आदमी याद करता, वो अपने और बच्चों को याद कराता, फिर वो उसको याद कराते, फिर वो उसको याद कराते, हज़ारों लोग पैदा हो गए जिनको कुरान हिफ्स था। अच्छा, फिर अगली नस्ल आई, उन्होंने उनको मुंतकिल किया, उन्होंने उनको मुंतकिल किया, और ऐसे आए पूरे 1400 साल 1500 साल जो हुए उसमें हम तक कुरान पहुंचा है। आज जो हमारे पास कुरान लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप हैरान होंगे कि जब कुरान लिख के छाप लेते हैं तो उस लिखे हुए पर यकीन नहीं करते, उस लिखे हुए को भेजते हैं किसके पास, किसी हाफिज़ के पास। ठीक है, कि भाई ज़रा देखिए इसमें कहीं गलती तो नहीं है। तो हाफिज़ साहब क्या करते हैं, जो उन्होंने हिफ्ज किया है, वो हिफ्ज़ उन्होंने कहाँ से किया है, वो सिलसिला चला आ रहा है इंसान टू इंसान टू इंसान टू इंसान, उनके जहन में पूरा दिल के अंदर महफूज है। अब वो हाफिज़ साहब क्या करते हैं, उस कुरान को खोलते हैं और सारा कुरान देख के पढ़ते हैं, और उसको किससे मैच करते हैं, अपने हाफ़े से। और जब पूरा कुरान लिख पढ़ लेते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती, तो वो आखिरी में स्टैंप लगाते हैं। आप कभी भी किसी कुरान को खोली, आखिर में स्टैंप लगी होगी जिसमें लिखा होगा कि मैंने इस कुरान को हरूफ बहरूफ पढ़ा है और इसमें किसी किस्म की कोई गलती को मैंने नोट नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि लिखा हुआ कुरान हम तक नहीं पहुँचा है। हम तक कौन सा कुरान पहुँचा है? हिफ्ज़ हुआ हुआ, ठीक है, और वो फ़र्द से फ़र्द, फ़र्द से फ़र्द, और पूरी दुनिया में लाखों इंसान जो है उन्होंने उसको हिफ्ज़ किया, उसको याद किया, और अपनी अगली नस्लों को मुंतकिल किया। इसलिए कुरान जो है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है, वो खुदा के अल्फाज हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो दीन को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनी वो है सुन्नत।
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? सुन्नत। सुन्नत का मतलब क्या होता है? सुन्नत का मतलब ये है एक्शन, अमल, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं आपने नमाज पढ़ना कैसे सीखा है, तो आप हैरान होंगे, आपने किसी किताब से नमाज पढ़ना नहीं सीखा है, आपने लोगों को देखकर नमाज पढ़ना सीखा है। आप मस्जिद में गए, वहाँ जैसे क़याम हो रहा था आपने भी क़याम किया, जैसे सुजूद हो रहा था आपने भी सुजूद किए, जैसे रुकू हो रहा था आपने भी रुकू किए, दो सजदे आपने किए, तहियात में बैठे, सलाम फेरा, ये आपने कहाँ से सीखा है? ये आपने एक्शन से सीखा है। मस्जिद में जाके लड़कियों ने कैसे सीखा? लड़कियों ने अपनी अम्मी से सीखा, अपने घर में देखा कैसे नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है। तो देखिए, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया लोगों को, तो दो शक्ल में दिया। एक दिया किताब की शक्ल में, कुरान हिफ्ज़ करा दिया सबको, और दूसरा दिया सुन्नत की शक्ल में। सुन्नत का मतलब अमल, एक्शन, सही है। यानी वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, फिर वो भी पढ़ रहे हैं, फिर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगली नस्ल में पढ़ाई जा रही है नमाज़। इसी तरह रोज़ा रख रहे हैं वो रमज़ान में, तो रोज़ा कैसे रखा जा रहा है, कैसे खोला जा रहा है, सहरी कैसे की जा रही है, कोई किताब विताब में थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग। आपने रोज़ा रखना कैसे सीखा है? घर से सीखा आपने। सहरी कब करनी है, इफ्तार कब करना है, इस सब का अंदाज़ा आपको किससे हुआ है? आपने वालदेन को देखा। अच्छा, वो वालदेन कहाँ से सीख के आए? उन्होंने अपने वालदेन से सीखा, उन्होंने अपने से। तो ये जो नस्ल दर नस्ल एक्शन ट्रांसफ़र होता है, हज ट्रांसफ़र हो रहा है, सदियों से हज हो रहा है, ज़कात दी जा रही है सदियों से, ज़कात का एक मेथड है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो जो एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, मिसाल के अब हम नाखून काटते हैं, नाखून काटते हैं ना, नाखून जैसे बड़े होते हैं तो क्या बोलता है घर वाले, भाई ये नाखून क्यों बढ़ा लिए तुमने, नाखून काटो। अच्छा, हम सीधे हाथ से खाना खाते हैं, जैसे कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है तो क्या करते हैं, मना करते हैं घर वाले, भाई उल्टे हाथ से खाना मत खाओ, सही है। हम अपने बगल के बाल काटते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। जैसे सिख लोग तो बाल ही नहीं काटते, वो बढ़ने देते हैं, उनके यहाँ बाल काटना गैर मजहबी है, हमारे यहाँ बाल काटना हमारा मजहब है, समझ में आ रही बात। हम गुसल करते हैं, नहाते हैं अगर हम नापाक हो जाएं तो। ये बातें हमने कहाँ से सीखी हैं? ये हमने अपनी सोसाइटी से सीखी है, अपने माशरे से सीखी है। इस माशरे ने कहाँ से सीखी? इन्होंने अपने वालदेन से सीखी, उन्होंने कहाँ से सीखी? इसी तरह से आप जब पीछे 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 चले जाते हो, तो ये सिलसिला जाके आखिरी में जुड़ता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। यानी जिस मज़हब को हम फॉलो करते हैं, उस मज़हब की जो बुनियाद है, पहली बुनियाद तो आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ते थे, वो रोज़ा रखते थे, वो ज़कात देते थे, वो हज करते थे, वो दीगर सारे जो जितने भी हमारे यहाँ आमाल होते हैं वो सब अंजाम देते थे, वालदेन का एहतराम करना, ठीक है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम तक का एक पूरा दौर है, जिसमें अंबिया जो है वो अलग अलग कौमों में आते थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए वो एक ही कौम में आए, बस वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल थी। एक तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और एक तरफ जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में फिर सैकड़ों नबी आए, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में कोई नबी नहीं आया, सबसे आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो ये जो सिलसिला है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला दीन, और ये दीन का जो तरीक़ा है, दीन का तरीक़े में क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब का सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंतकिल किया अपने बच्चों को, उन्होंने मुंतकिल किया अपने बच्चों को, उन्होंने मुंतकिल किया अपनी कौम को। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गया। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आते आते उसमें बिगाड़ भी हो गया, गलतियाँ भी हो गई, लोगों ने अपनी तरफ से एडिशन भी कर दी, नमाजें 5 थी 3 कर दी, थी कितनी 5, लेकिन लोगों ने क्या करी 3 कर दी, वो असर को और मगरिब को मिला दिया, असर और मगरिब को मिला दिया, दो नमाज़ों को एक साथ कर दिया, और इसी तरीके से जो है वो इशा को और फजर को मिला दिया कि एक साथ करके पढ़ लो, सही है। तो इस तरह से 3 कर दी लोगों ने पहले। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर
इस तरीक़ेकार को बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। इसमें जो रद्द बदल अल्लाह ताला ने उनको बताया कि नहीं हज ऐसे नहीं हो रहा जैसे अब तुम लोग कर रहे हो, ये गलत हज है, हज का असल तरीका ये है, जो नमाज़ पढ़ी जा रही है ये अब जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसे पढ़ो नमाज़। और रोज़ा जो है वो जो लोग रख रहे हैं, जैसे पहले लोगों ने रोज़ा यूँ बना लिया कि सिर्फ गंदम नहीं खाएँगे बाकी सब खाएँगे, ये रोज़ा है, रोटी नहीं खाएँगे बस फल खा लो, तो उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उसमें दुरुस्तगी की, हमारा जो एक्शन था वो सही किया। ये एक्शन जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, सुन्नत। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आइए हदीस की तरफ, जब हम बात करें हदीस की तो हदीस क्या है, देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने काम किए जितनी बातें की वो सब लोगों ने सुनी जो वहाँ मौजूद थे सहाबा किराम, उन्होंने सुन के उन बातों को आगे बढ़ाया, सही है। एक साहबी ने सुना अपने बच्चों को बताया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, अच्छा उसने फिर आगे बढ़ाया अपने बच्चे को कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है, फिर उसने आगे बढ़ाया। तो ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो इंसान सुनते गए और आगे बढ़ाते गए। बाज़ाब्ता हदीस लिखने का जो रिवाज पड़ा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 250 साल के बाद शुरू हुआ, यानी 250 साल तक लोग हदीसें लिख नहीं रहे थे, 250 साल तक लोग ऐसे ही ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब जब 250 साल के बाद लोगों ने, कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने बोला भाई ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे लिख के रखना चाहिए, महफूज करना चाहिए, ताकि जो है वो हमारे नबी की बातें सारी दुनिया तक पहुँचें। तो फिर लोगों ने उसको रिकॉर्ड करना चाहा। अच्छा जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उन्होंने ये भी कहा कि ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा भाई, हो सकता है कि ये जो आदमी बात कह रहा हो ये बात वो ना हो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी। तो फिर लोगों ने तहकीक की कि जिस आदमी से बात सुन रहे हैं वो सच्चा है, झूठ तो नहीं बोलता, सही है, वो अमानतदार है, उसका हाफ़ज़ा ठीक है या ठीक नहीं है, सही है, उसने इस बात में अपनी बात तो शामिल नहीं कर दी। तो ऐसे लोग कहलाए मुहद्दिसीन, उनको कहते हैं मुहद्दिसीन, जिन्होंने ये तहकीक की कि जो बात कही जा रही है ये ठीक है या गलत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात नहीं है बल्कि इस आदमी ने अपनी तरफ से मिला दी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक किसी आदमी ने बोला भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, 3 बार पढ़ लो तो एक कुरान का सवाब मिलेगा। अब जब किसी ने सुना तो बोला ये क्या बात हुई, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कैसे कह सकते हैं, बस तुम कुरान नहीं पढ़ो सिर्फ 3 बार ये पढ़ लो। तो उन्होंने तहकीक की उस पर जाके, तुमने किससे सुना, उसने बोला मैंने उससे सुना, बोला तुमने किससे सुना, बोला उससे सुना, तो वो गए बाद आपता। तो पता चला एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी के रोज़े के सामने, आखिरी आदमी वो है जिससे सुना, उससे पूछा तुमने किससे सुना, वो कहने लगा मैंने किसी से नहीं सुना, ये तो मैंने खुद लिखी है। मैंने कहा अच्छा है, लोग ज़रा सवाब का काम है, 3 दफ़ा कुलू अल्लाह पढ़ लेंगे, जो कुरान नहीं पढ़ सकते वो क्या करें, 3 दफ़ा कुलू अल्लाह पढ़ लें तो उनको एक कुरान का सवाब मिल जाएगा। मैंने ये सोच कर कि लोग जो कुरान नहीं पढ़ सकते कम अज़ कम 3 दफ़ा कुलू, ठीक है, मैंने ये बात ऐसे कही। या उसने ये कहा कि मैं रात को सो रहा था ख्वाब में, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और उन्होंने ये बात बताई, तो क्या ख्वाब में जो बात बताई गई होगी वो दुरुस्त मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ख्वाब तो शैतान भी दिखा सकता है। तो पता चला कि बेशुमार अहादीस तो ऐसी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली नहीं, लोगों ने खुद अपनी तरफ से घड़ना शुरू कर दी, लिखना शुरू कर दी अपनी तरफ से। अच्छा इसमें यहूदियों को भी बड़ा मौका मिल गया, इन्होंने बोला भाई ये सारे मुसलमान अपने नबी की बात को बड़ा अहमियत देते हैं, तो उन्होंने भी ना उल्टी सीधी बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके हमारे पास लोगों को बयान करना शुरू कर दें।
इस तरह हदीस को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स आते का मतलब ये है कि क्या ये हदीस दुरुस्त भी है, क्या ये अल्फाज के एतबार से दुरुस्त है, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बोली थी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात तो कही थी, एक बात कही थी, लेकिन इन्होंने भी सुनी थी, उन्होंने भी सुनी थी, उन्होंने भी सुनी थी, उन्होंने उसको अलग तरीक़े से बयान किया, दूसरे ने अलग तरीक़े से बयान किया और तीसरे ने अलग तरीक़े से बयान किया। इसलिए कि तीन आदमी जो सुन रहे हैं, तीनों की जो बात होगी वो जब समझेंगे, गौर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो इस तरह से अहादीस जितनी भी हैं, उन तमाम अहादीस में से मुहद्दिसीन ने फिर काम किया और काम करके ये किया कि जो सही अहादीस हैं उनको अलग किया और जो सही हदीस नहीं हैं, जो मौजू हैं, घड़ी हुई हैं, जिसमें एरर हैं, जिसका पता नहीं है कि ये, जिसमें वो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती नहीं है, तो उन्होंने उसके बारे में भी लिख दिया कि ये हदीस मौजू है, इस हदीस में जो है वो सहत से उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह से जब किताबें लिखी गईं तो बहुत सारी किताबें बनी, सही बुखारी बनी, मुस्लिम बनी, ठीक है, अहमद, छः किताबें हमारे यहाँ मशहूर हैं, सहा सत्ता जिन्हें हम कहते हैं, उनमें बहुत सारी अहादीस लिख दी गई हैं और अहादीस के बारे में ये भी बता दिया है कि यह हदीस दुरुस्त है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये लिंक करती है, इसके अल्फाज भी ठीक हैं, इसको जो पहुँचाने वाले थे वो भी ईमानदार लोग थे, ये भी लिख दिया है। और जिस हदीस के बारे में ये है कि नहीं भाई ये हदीस तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ती नहीं है, जाके बीच में ही कट जाती है, और इसको बयान करने वाले जो लोग हैं वो भी ईमानदार नहीं थे, ठीक है, तो इस तरह से अहादीस को फिर बाज़ाब्ता कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी बातें जो लोगों ने तहरीर करके लिख दी हैं वो तारीख़ी रिकॉर्ड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी रिकॉर्ड है, और उस तारीख़ी रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से समझना, खंगालना, उस पर गौर करना और उसकी सेहत के बारे में पता चलाना ये इंतहाई ज़रूरी है। और जिस हदीस के बारे में ये बात पता चल जाए कि ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, तो बस उस हदीस पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। समझ में आ रही बात आपको? यानी हदीस का इनकार आप नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता ये हदीस, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेगा, दरअसल उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस्लाम पर अमल नहीं करेगा। तो इस्लाम पर अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने, चाहे वो हमारी समझ में आए, चाहे वो हमारी समझ में नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो। पता चले वो बात किसी और की है और हमारे सामने पेश कैसे की जा रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। अब जैसे यही मैंने मिसाल दी आपको कि एक आदमी कह रहा है तीन बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लो तो क्या होगा, यह कुरान का सवाब मिल जाएगा, तो आप इसको मान लोगे? क्योंकि ये बात तो हदीस के तौर पर आई है आपके पास, लेकिन जब इस पर तहकीक की है तो क्या पता चला है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बोली नहीं है, बल्कि कौन बोल रहा था, ये एक आदमी बोल रहा था वहाँ बैठ के, वो खुद ही बना रहा था हदीस हैं, सही है। तो ऐसी बेशुमार अहादीस हैं, इसलिए हदीस के बारे में हमें मोहतात रवैया रखना ज़रूरी है। और हदीस के अंदर कोई नया दीन बयान नहीं होता, ये बात जहन में डाल लीजिए, हदीस में कोई नई बात दीन की जो ना कुरान में हो ना सुन्नत में हो वो बयान नहीं होती, बल्कि जो कुरान और सुन्नत में चीज़ें हमें मिली हैं उन्हीं की तशरीह होती है हदीस में, उन्हीं की तफसील होती है हदीस में, उसी की मुख्तलिफ अंदाज से डिस्कशन होती है हदीस में। अच्छा, अब आपको हदीस में कोई ऐसी बात मिल जाए जो कुरान और सुन्नत दोनों के ख़िलाफ़ हो, जो कुरान के भी ख़िलाफ़ हो और सुन्नत के भी ख़िलाफ़ हो, तो अब आप क्या करोगे, हदीस को पकड़ोगे या कुरान और सुन्नत को पकड़ोगे? कुरान और सुन्नत को पकड़ोगे, इसलिए कि हदीस जो है इसके बारे में ये बात है कि इसमें शक है,
क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लोगों ने बयान की है, ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप तक मुख्तलिफ ज़राए से पहुँची है, उन ज़राए के अंदर कुछ तब्दीली के इम्कानात हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, मोटी मोटी बातें हैं।